नमस्कार, कक्कू की किचन में आज हम फलों के राजा आम की एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनाने जा रहे हैं, आम का कलाकंद। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर से देखिएगा और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। आम का कलाकंद बनाने के लिए मैंने भारी तले की लोहे की कढ़ाई ली है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे दूध हमारा लगे नहीं। और ये 2 किलो दूध लिया है मैंने, फुल क्रीम ही दूध लेना है हमें। अब हम गैस को फुल कर लेंगे और इसको दूध को हम चलाते रहेंगे जिससे ये नीचे लगे नहीं। जब तक दूध उबल रहा है मैंने ये 3 आम लिए हैं, ये करीब 1 किलो करीब होंगे। तब तक मैं इसे छील लूँगी और फिर इनकी प्यूरी बना लूँगी। अब इसमें उबाली आने लग गई है, मैं इसको थोड़ा और गाढ़ा करूँगी जिससे अच्छे सा कलाकंद बन जाए। तब तक मैं आम की प्यूरी बना लेती हूँ, बीच बीच में इसको चलाते रहना है। पर इसमें एक बात ध्यान रखनी है, इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे ये लगे नहीं। ये सारा आम का सारा पल्प मैंने इसमें डाल लिया। अब इसको ग्राइंड कर लूंगी। ये मैंने ग्राइंड कर लिया है आम, ये अच्छी सी प्यूरी बन गई है। अब हम दूध को देखते हैं, दूध भी गाढ़ा हो गया होगा, दूध भी पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें ये प्यूरी डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसमें। वैसे आम खट्टे मीठे होते हैं तो ये मैंने वैसे मीठा वाला ही लिया है, तो इससे अपने आप ही या तो रवे बन जाएंगे, हम देखते हैं, नहीं तो फिर इसमें थोड़ा नींबू डाल देंगे जिससे अच्छे से रवे हो जाए। ये साइड से भी ऐसे हटा लेना है, नहीं तो ये कढ़ाई में लग जाएगा। काफ़ी गाढ़ा हो गया है अब ये दूध, पर इसमें रवे अच्छे से नहीं हुए, तो मैंने ये आधा नींबू का रस और उतना ही पानी मिलाया है। इसको हमें एक साथ नहीं डालना है, ऐसे छींटे छींटे करके थोड़ा थोड़ा डालना है जिससे अच्छे से रवे बन जाएंगे। और फिर इसको चलाएंगे ऐसे। ये कढ़ाई में साइड में आपको दिख रहे होंगे रवे बनने लग गए हैं। ये आम का कलर थोड़ा लाइट है, आप चाहें तो इसमें फूड कलर येलो डाल सकते हैं जिससे और अच्छा कलर आ जाएगा। साइड से इस आम को ऐसे छुड़ाते रहें, नहीं तो ये मलाई बन जाएगी चिपक के। अब इसमें मैं ये थोड़ी केसर डाल रही हूँ, इससे इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और कलर भी अच्छा हो जाएगा इसका। आप चाहें तो इस केसर को पहले 2 चम्मच दूध लेके उसमें फेंट के भिगो के वैसे भी डाल सकते हैं, पर अभी ये गर्म है तो वैसे ही अच्छे से कलर आ जाएगा इसका। थोड़ा ये और गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये 2 किलो दूध में मैंने 200 ग्राम चीनी ली है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी, एक साथ चीनी नहीं डाली है, मैं मुट्ठी में थोड़ा थोड़ा लेके ऐसे चीनी को डालना है। जब ये चीनी डिजोल्व हो जाए तभी और डालेंगे हम।
एक साथ डाल देंगे तो ये चाशनी की जैसे पानी छोड़ देगी। इसका कलर भी चेंज होने लगा है। अभी गर्मियों का मौसम है और आम खूब आ रहे हैं, तो आप भी इसे ज़रूर से घर में ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है ये कलाकंद। मैंने सारी चीनी डाल दी है, अब इसको थोड़ा सा और उबालेंगे जिससे पानी वो डिज़ोल्व हो जाए। अब एक कोई थाली या टिफ़िन कुछ भी आप बर्तन ले सकते हैं, उसको मैं थोड़ा घी डाल के ग्रीस करूँगी, फिर हम उसमें ये डाल देंगे। मैंने ये थाली ली है, अब इसमें थोड़ा घी डाल के इसे ग्रीस कर लूँगी। ऐसे पूरी थाली में हमें ये घी लगा लेना है। अब ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, इसमें मैं एक चम्मच घी का ऐड करूँगी, जिससे जब ये मिठाई में काफ़ी शाइनिंग भी आ जाएगी और ये नीचे कढ़ाई में लगेगा भी नहीं। चार पाँच मिनट हम इसे और चलाएंगे, फिर गैस ऑफ कर देंगे। अब मैंने गैस ऑफ कर दी है और ये कढ़ाई भी छोड़ने लगा है, इससे पता चलता है हमें कि रेडी हो गया है हमारा कलाकंद। अब इसमें ये इलायची पाउडर डालूंगी, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम थाली में डालेंगे। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कैसा शानदार कलाकंद बना है। अब हम इसको थोड़ा ऐसे टैप कर लेंगे जिससे अच्छे से सेट हो जाएगा इसमें। अब इसके ऊपर हम थोड़ा कटे हुए बादाम, और पिस्ता से गार्निश कर देंगे। तो आप भी आम का कलाकंद ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कैसा बना आपका कलाकंद। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।